तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों कैसे हो, फटाफट कमेंट में बताओ। बहुत दिनों से मैं कोई भी अच्छा सा मतलब स्ट्रेटेजी का हो या टेक्निकल एनालिसिस का हो ये सब वीडियो नहीं बनाया, ठीक है। आप लोगों को मैं अच्छा खासा नॉलेज वगैरह देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस का और स्ट्रेटेजी वगैरह का, ठीक है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक अच्छा सा कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस के भी अंदर आता है, आपको नॉलेज मिलेगा कैंडलस्टिक का और उसी के साथ इसको आप स्ट्रेटेजी के तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नवजीत और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ओके। ये वीडियो होगा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक, ठीक है। तो बेसिकली पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर क्या था, दो कैंडल मिलाकर कैंडलस्टिक पैटर्न होता था, ओके, ठीक है। बुलिश पिन बार, बेयरिश पिन बार, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, ये सब। तो ये है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार अभी छोड़ते हैं, वो बनाएंगे बताएंगे बाद में, तो पहले बताएंगे मॉर्निंग स्टार के बारे में। तो यहाँ पर हमको चाहिए 3 कैंडल। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब है, एकदम खांसी हो रहा है, कफ सिरप वगैरह मैंने पी लिया, फिर भी खांसी एकदम से ठीक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि इन फ्यूचर आने वाला सभी मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, जो वीडियो आपको प्रॉफिट कमाने के लिए हेल्प करे। और इसी के साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ और हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मिनिमम फीस पे करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करो। और अभी आने वाला है बजट, तो बजट स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, बजट स्पेशल स्ट्रेटजी भी आपको प्रोवाइड करूंगा, इसलिए इस चैनल में बने रहना। और प्रीमियम जो मेंबर्स है वो लोग बिंदास बैठो, क्योंकि बजट वाला जो डे होगा उस पे अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको कौन कराएगा, ट्रेडर बॉय कराएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चाहिए आपको 3 कैंडल। बेसिकली स्क्रीन पे आपको सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे कुछ बात भी करेंगे, थोड़ा सा बता भी देंगे, ओके। तो मॉर्निंग स्टार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा हमेशा सपोर्ट पे। अब ये मत पूछना सपोर्ट क्या है, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाकर आपको बता दिया सपोर्ट क्या है, रेसलमना क्या है, वो सब कुछ देखना, सपोर्ट पे बनेगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या इंडिकेट करता है, बुलिश होगा। इसके लिए पहला कैंडल क्या होना पड़ेगा, रेड कैंडल, ओके, पहला रेड कैंडल। इसके नीचे एक और कैंडल जो डोजी जैसा होगा और पहले कैंडल का नीचे होना पड़ेगा, मतलब गैप डाउन होना पड़ेगा वो कैंडल। उसके बाद जो थर्ड नंबर कैंडल होगा वो होना पड़ेगा बुलिश कैंडल। फर्स्ट कैंडल बेयरिश, सेकंड कैंडल कोई भी हो सकता है, बुलिश हो या बेयरिश हो, डोजी जैसा होना चाहिए। और जो थर्ड कैंडल है वो होना चाहिए बुलिश ग्रीन कैंडल, ठीक है। और जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर, मतलब गैप अप होना चाहिए बट फर्स्ट कैंडल से ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ओके, फर्स्ट कैंडल के नीचे ही होना चाहिए। तो ये पैटर्न आपको अगर देखने को मिल जाता है चार्ट के बॉटम पे, मतलब सपोर्ट पे, तो आप जान जाना ये है क्या, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट कैंडल का हाई को जब भी ब्रेक करके निकलता है, कोई 15 मिनट्स का कैंडल या 5 मिनट्स का कैंडल, आपको ठोक देना है वहाँ पर एंटर, ठीक है, मतलब एंट्री करना है वहाँ पर, आप बाय करना है, कोई सा भी टाइम फ्रेम लो, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, आपका मर्जी, ठीक है। 1 वीक 1 डे में लोगे तो ये पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा, 15 मिनट्स 5 मिनट्स लोगे तो वो इंटर डे बन जाएगा, एकदम सिंपल सा। सॉरी गाइस, हालत एकदम खराब है, फिर भी आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो एंटर करना, स्टॉप लॉस क्या करोगे, सेकंड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। और टारगेट कितना होगा अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना स्क्रीन पे जाकर, वहाँ पर आपको बताऊंगा। तो ठीक है, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। एवरीवन, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो लॉस खुद ही कर बैठोगे, ठीक है। ये जो पैटर्न है अच्छे से देखना, पहला जो पैटर्न था कैंडलस्टिक का, मैंने आपको सब कुछ सिखाया, वहाँ पर दो कैंडल, ओके, दो कैंडल से जो स्ट्रेटजी था वो फॉर्म होता था, ठीक है। बट ये जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, तो यहाँ पर हमको कितना चाहिए, हमको 3 कैंडल चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ये हमको क्या बताता है, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल, ओके। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और सपोर्ट पे आपको ये कैंडल फॉर्म, ये पैटर्न मिलता है, तो आप जान जाना ये अभी मार्केट रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाने वाला है, ओके, मतलब मार्केट बुलिश होने वाला है, ओके। तो इस पैटर्न के लिए सबसे ज़रूरी हमको क्या है, क्या चाहिए, ये बताते हैं, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको
कैसे ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको कैसे ट्रेड लेना होगा, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा, टारगेट कितना लेना होगा, वो सब कुछ बताएंगे इन डिटेल्स में। ओके, अच्छे से देखना, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। देखो, बुलिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हमको पता चलता है इस स्ट्रेटेजी से, पैटर्न से, ठीक है। इस पैटर्न के लिए हमको चाहिए 3 कैंडल। ओके, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ध्यान से। ओके, जो फर्स्ट कैंडल है, ये है फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल रेड होना जरूरी है। ओके, फर्स्ट कैंडल रेड होना जरूरी है, मतलब बियरिश कैंडल होना चाहिए। सेकंड कलर, जो सेकंड कैंडल है, ये कोई भी कलर का हो सकता है, रेड हो या ग्रीन हो, कोई भी हो सकता है, बस ये डोजी जैसा होना चाहिए बस। ओके, और एक बात, इसका जो ये जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल ओपन होना चाहिए, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए, ठीक है। और लो के नीचे, इस कैंडल के जो लो है, लो के नीचे ही ख़त्म भी होना चाहिए। ओके, तो ये जो कंडीशन है फुलफिल हो गया। तो जो थर्ड कैंडल होगा, थर्ड कैंडल होना चाहिए सेकंड कैंडल के ऊपर ओपन होना चाहिए, मतलब गैप ओपन होना चाहिए। और जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, ये 3 कंडीशन है। और एक कंडीशन है, ये मतलब 100% मतलब कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसका जो वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम फर्स्ट कैंडल का वॉल्यूम जितना हो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, और थर्ड कैंडल का वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो, बढ़ते क्रम में वॉल्यूम हो, तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है। और हमेशा आप देखना, चार्ट के बॉटम पे या सपोर्ट पे ये पैटर्न बनना चाहिए, कोई भी बीच में अगर बनता है तो आप ट्रेड मत लेना, तो फंस जाओगे, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए, मैं आपको ये समझा दिया, ये पैटर्न क्या होता है, कैसा क्या होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, हमेशा याद रखना, फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल डोजी जैसा होना चाहिए या स्पिनिंग टॉप जैसा भी होना, होने से हो जाएगा, ठीक है। और गाइस, हाँ, जो फर्स्ट कैंडल का लो है, लो के नीचे ओपन होना चाहिए, मतलब गैप डाउन ओपन होना चाहिए सेकंड कैंडल। और जो थर्ड कैंडल है, ये बुलिश कैंडल होना चाहिए, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ये ओपन होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीज होने से और भी अच्छा है। तो चलो, मैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो आपको समझा दिया, अब दिखाते हैं आपको चार्ट पे कैसे दिखता है और हम ट्रेड इस पे कैसे लेंगे, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं कहाँ पर, नेक्स्ट हमारे वो, चलो ये देखो गाइस, ये आ गया है चार्ट, ये है कोटक बैंक का चार्ट। ओके, मैंने निकाल कर रख दिया है, तो अभी आपको बताते हैं। तो देखो, मार्केट ऊपर से नीचे 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 की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर ये है सपोर्ट, सपोर्ट पे ये क्या फॉर्म हुआ है, देखो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ओके, आपको ट्रेड कब लेना होता है इस पे, ये बन गया आपका मॉर्निंग स्टार, जो ये 3 कैंडल से बनता है। तो इसका जो हाई होता है, ओके, हाई को आपको मार्क करना चाहिए और लो को मार्क करना चाहिए। लो के नीचे आपका क्या होगा, सिंपल, लो के नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस। इसके हाई के ऊपर जो कैंडल जाएगा, ओके, ब्रेक करके, उस कैंडल पे आपको बस एंटर करना है और वेट करना है प्रॉफिट के लिए, कितना कितना प्रॉफिट आपको चाहिए होगा। ओके, ये मार्केट जो नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट तो ऊपर से ही नीचे आएगा, बियरिश मार्केट होगा, उस तभी आपको सपोर्ट पे आपको ये पैटर्न दिखेगा। जो इसका रिसेंट स्विंग है, ओके, रिसेंट जो स्विंग हाई है, वहाँ तक आप फर्स्ट टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से हल्का सा पुल बैक लिया, पुल बैक लेकर दोबारा नीचे आया, तो ये बन गया इसका स्विंग हाई। ओके, तो इस स्विंग हाई तक आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हो, और देखो, एंटर करते ही आपको इस कैंडल ने यहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया। ओके, इजीली यहाँ तक का प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलोगे, और जो नेक्स्ट स्विंग हाई मिलेगा, तो नेक्स्ट स्विंग हाई तक आप इजीली प्रॉफिट ले सकते हो। एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी समझा दिया, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है समझा दिया, समझ में आ रहे हैं, काइंडली मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कभी मार्केट में काम मत करना, आप ये 15 मिनट्स के कैंडल टाइम फ्रेम पे फाइन कर सकते हो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे फाइन कर सकते हो, 3 आवर टाइम फ्रेम पे फाइन कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप 1 डे या 1 वीक पे भी आप फाइन कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आप मंथली चार्ट पे भी ये पैटर्न फाइन कर सकते हो। ओके, अगर ये पैटर्न मिल जाता है और इसका जो हाई है, हाई को ब्रेक करता है, मतलब हाई के ऊपर गैप अप भी ओपन होता है, तब भी आप एंटर कर सकते हो इसके सेकंड कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। ओके,
तो बात आप ध्यान देना कि ये जो पैटर्न है बॉटम पे फॉर्म हो। ओके तो गाइज आज के लिए इतना ही मैंने समझा दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक करके मुझे बताना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी मुझे कमेंट करके पूछना, मैं बताऊंगा। तो ये तो हो गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा इवनिंग स्टार है। ये हो गया मॉर्निंग स्टार, मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग दिखता है, तो जापानीज लोग इसको ये मॉर्निंग स्टार नाम दिए दिया है। ओके तो ये जो सेकेंड कैंडल है ये स्टार को क्या करता है, डिनोट करता है। ओके तो नेक्स्ट आएगा इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि इवनिंग स्टार जो पैटर्न का वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे।